सुधांशु शर्मा, माननीय मुख्य अतिथि के माध्यम से आपका स्वागत और सम्मान। इसके बाद मैं चाहूंगा सर एक सेकेंड सर। यस यस, सभी प्रतिभागी अपना प्रशस्ति पत्र टेबल लगा दी गई है मंच के सामने, वो अपना नाम लिखवा दें। अगर वो किसी सरकारी सेवा में अगर चयनित हैं तो आप यहाँ पर आकर अपना नाम लिखवा सकते हैं और सम्मान ग्रहण कर सकते हैं। सामाजिक रूप से जो हमारी मांगे हैं वो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, मगर पिछले दिनों से हम लोग जो एक ही मांग पे ज्यादा है वो लड़ने की कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग एक बड़ा आयोजन दिल्ली में करने की कार्रवाई कर रहे हैं। वो है हमारा 14% EWS आरक्षण, जो भी 10% है उसको 14% किया जाए। इस बात के लिए हम ब्राह्मण हैं, हम उद्दंड नहीं है, हम एक विनम्र आंदोलन करेंगे जिसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन करेंगे कि इसको 10 से बढ़ा के और 14 कर दिया जाए ताकि 404 सीट से वो दोबारा लोकसभा में आ जाए। अगर ये मान लेंगे हमारी मांग तो हम ये सब कल्पना करेंगे कि आएंगे। वो शख्सियत जिनके पिताश्री मेरे आदर्श रहे, जिनसे राजनीति में मैंने बहुत कुछ सीखा, ऐसे रघुवीर सिंह जी कौशल के पुत्र, सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र अरविंद जी। अब मुझे स्लिप मिली है, मालूम नहीं कितने लोग उस समय मंच पर हैं, कितने नए जुड़ गए हैं। जो स्लिप है उस पर ही नाम उच्चारण करूंगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजकुमार शर्मा जी, श्री देवी शंकर शर्मा जी, गिरिराज सिंह गंडौतिया जी, रामकिशन शर्मा जी, आचार्य निकल गई निर्मला जी, संत जी भी चले गए, पीसी वोरा जी, अरविंद कौशल जी का हो गया, पंकज तिवारी जी, गोविंद शर्मा जी हमारे पुराने साथी हैं आगरा के, और अशोक जी के भाई, नाम क्या बताया था भाई साहब, पंकज जी, तथा सम्मानित जो भी मंच पर बैठे हैं, सम्मानित विशिष्ट व्यक्ति, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ विप्रजन, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में है यहाँ पर। लगता है कि मोदी जी ने जो महिला बिल पास किया उसका असर कुछ हो रहा है। जो जनप्रतिनिधित्व में आपको भागीदारी मिलने वाली है, हमारे नेता मोदी जी ने जो बिल पास किया है उसका एक असर लगता प्रतीत होता है। मुझको कल रात को राजकुमार जी ने फोन करके पूछा था, शायद परसों रात को, कि आप वहां आएंगे क्या बाड़ी। मैंने कहा मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि पिछले 15 दिन से वायरल से पीड़ित था। किशन पंडित जी ने लगभग 20-25 दिन पहले जिक्र किया था हल्का सा, वोकल कॉर्ड जो मेरी है उसमें सूजन आ गई थी, तो मोबाइल मेरा डॉक्टर ने उठा के अलग रख दिया था। किशन पंडित जी के बीच में कई मिस कॉल भी देखे थे मैंने बाद में, तो इसीलिए आग्रह करना चाहते होंगे मुझे लग गया। और राजकुमार जी ने जो मुझे आदेश दिया तो मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ। श्रीमान गिरिराज जी दंडौड़िया जी को स्वागत करता हूं कि वो आए और अपने उद्बोधन से यहां उपस्थित समस्त मित्र बंधुओं को लाभान्वित करें। स्वागत करने के बाद आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय हमारे गिरिराज जी का